एक रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी हर महीने 4,286 करोड़ रुपए कमाते हैं, यानी एक दिन में लगभग 198 करोड़ रुपए। अभी के समय इनकी नेटवर्थ 81 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है और ये दुनिया के 12वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है जिसे आप गिनने बैठे तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। 2015 में पब्लिश हुई ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मुकेश अंबानी अपने उस समय यानी 2015 की नेटवर्थ जो कि 22 बिलियन डॉलर थी उसे भारत की जनता में बराबर बराबर बांटे तो हर एक व्यक्ति के पास 59 डॉलर यानी करीब 4,503 रुपए सबके हिस्से में आते हैं। हालांकि तब इनकी नेटवर्थ 22 बिलियन डॉलर थी और आज ये नेटवर्थ लगभग 81 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। ये अपने ऊपर ज्यादा नहीं लेकिन अपनी फैमिली के ऊपर खूब पैसा उड़ाते हैं, फिर चाहे वो बेटी की शादी हो, गाड़ियां हो या फिर घर हो, इन सब में मोटा भाई पैसा पानी की तरह बहाते हैं। सबसे पहली नजर अगर इनके घर एंटीलिया पर डाले तो ये दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर माना जाता है। एंटीलिया साउथ मुंबई की बाला हिल के पास बना हुआ है और एंटीलिया करीब 4,00,000 स्क्वायर फीट में फैला है, तो इस हिसाब से सिर्फ जमीन की कीमत 150 करोड़ के पार चली जाती है। ये घर साल 2010 में बनकर तैयार हुआ था जिसकी कीमत 1 से 2 बिलियन डॉलर बताई जाती है। 27 मंजिल वाले इस घर में आने जाने के लिए 10 लिफ्ट लगाई गई है। इस घर के हर कमरे का इंटीरियर एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके शुरुआत के 6 फ्लोर्स पर सिर्फ कार पार्किंग बनाई गई है जिसमें 170 कारों को एक साथ पार्क किया जा सकता है। इसके अंदर खुद का एक सर्विस स्टेशन भी मौजूद है जहां सिर्फ अंबानी की ही कारें सर्विस होती हैं। एंटीलिया की छत पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और दुनिया का पहला सबसे महंगा प्राइवेट घर होने के साथ ये पहला ऐसा घर है जहां हेलीपैड बनाया गया है और ये केवल मुकेश अंबानी और उनके खास मेहमानों के लिए ही अवेलेबल है। एंटीलिया के अंदर जिम, स्विमिंग पूल, गार्डन, आइसक्रीम पार्लर, मसाज रूम, 50 सीटर का सिनेमा हॉल और एक मंदिर भी बनाया गया है और इस घर के अंदर टोटल 600 लोग काम करते हैं जिनकी सैलरी लाखों में होती है। इस घर को ऐसा बनाया गया है कि ये 8 रिक्टर तक के भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि इसमें सिर्फ 6 से 7 लोग यानी इनकी फैमिली ही रहती है। दूसरी चीज है इनकी कारें। मुकेश अंबानी की कार कलेक्शन में टोटल 168 कारें शामिल हैं जिसमें रोल्स रॉयस, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं। वैसे इनकी सभी कारों की कीमत करोड़ों में होती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन अगर इनके फेवरेट कार की बात करें तो वो है रोल्स रॉयस कलिनन जिसकी कीमत 13 करोड़ रुपए है। तीसरी चीज है शादी और पार्टी। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में करीब 100 मिलियन डॉलर्स का खर्चा किया था। इस शादी में बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए थे और उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हाथों ही मुकेश अंबानी के मेहमानों को खाना परोसा गया। मुकेश अंबानी ने अपने मेहमानों के लिए 100 चार्टर्ड प्लेन बुक किए थे जो उनके मेहमानों को लाने में और ले जाने के लिए प्राइवेटली बुक किए गए थे। इन सब चीजों के साथ ही इनकी वाइफ नीता अंबानी के शौक भी काफी बड़े हैं। ये 3 लाख रुपए के कप में चाय पीती हैं। जिस कप में ये चाय पीती हैं उसे जापान की एक फेमस कंपनी नोरीटेक के द्वारा डिजाइन किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इस क्रॉकरी पर जो काम होता है वो गोल्ड का होता है, यही वजह है कि इसकी कीमत लाखों में होती है। इस ब्रांड के 50 कपों के सेट की कीमत 1,50,00,000 रुपए होती है। इतने महंगे कप के साथ साथ नीता अंबानी काफी महंगे ब्रांड्स के बैग कैरी करना पसंद करती हैं। इनके पास एक ऐसा बैग भी है जिसमें 240 हीरे जड़े हुए हैं और इस बैग का हैंडल 18 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है जिसकी कीमत 2,60,00,000 रुपए बताई जाती है। इसके साथ ही ये अपने कपड़े और सैंडल पर करोड़ों का खर्चा करती हैं। इन सारी चीजों के साथ ही साथ अंबानी फैमिली काफी डोनेशन और गरीबों में खाना भी बांटती है। 2018 में अंबानी ने 60 मिलियन डॉलर एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेट किया था जो कि वाकई काफी अच्छी बात है।